गुड मॉर्निंग एवरीवन, ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। द वर्ड ओम शांति मीन्स आई एम ए पीसफुल सोल। चलिए शुरुआत करते हैं। कल का 3 मिनट एक बार रिव्यू करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने जो बात की थी वो बात एक तो एक्टिविटी की थी। इस एक्टिविटी के बाद हमने जाना था कि थॉट्स की जैसी क्वालिटी होगी वैसा ही लाइफ का मैनिफेस्टेशन होगा। डेस्टिनी बदलना चाहते हैं लेकिन डेस्टिनी बदलने के लिए थॉट्स को बदलना आवश्यक है। उसके बाद हमने ये जाना था कि मन जो है वो क्रिएटर ऑफ थॉट्स, मन में थॉट्स जनरेट होते हैं, माइंड में थॉट्स जनरेट होते हैं और चार कारणों से थॉट्स जनरेट होते हैं। वो है सेंसरी इनपुट्स, बिलीफ सिस्टम, पास्ट मेमोरीज एंड क्रिएटिविटी। और चार प्रकार के थॉट्स हमने देखे थे, पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट एंड नेसेसरी थॉट्स। और ज्यादातर दुनिया का या हम लोगों का भी ज्यादातर समय या तो वेस्ट थॉट में जा रहा है, नेसेसरी में जा रहा है। और नेगेटिव एक लिमिट से ऊपर चले जाते हैं तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन, मेंटल इलनेस, साइकोसोमेटिक डिजीज, ये सब कुछ होने लगता है। यदि पॉजिटिव थॉट्स जितना इतना ऊपर जाते हैं, हम अपने डेस्टिनी की क्वालिटी को इम्प्रूव करते जाते हैं। थॉट्स आर दी सीड ऑफ द डेस्टिनी। थॉट्स सही है तो डेस्टिनी भी बेहतरीन है। इसके बाद हमने देखा था कि इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट ब्रेन अलग चीज है, वो फिजिकल पार्ट है। इंटेलेक्ट जो है वो मेटाफिजिकल, जैसे माइंड मेटाफिजिकल है, इंटेलेक्ट भी मेटाफिजिकल। एक तरह से मन कोई अलग से एंटिटी नहीं कहेंगे तो मन और बुद्धि दोनों शक्तियां हैं। दीज टू आर पावर्स, थॉट जनरेटिंग पावर माइंड एंड थॉट जनरेटिंग पावर एंड डिसीजन मेकिंग पावर इज नोन एज इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट डिसीजन करता है और साथ साथ इंटेलेक्ट किसी चीज के बारे में कैलकुलेशन करना, उसको सेलेक्ट करना है, नहीं करना है, रिजेक्ट करना है, एनालिसिस करना है, कॉम्प्रिहेंड करना है, समझना है चीजों को, ये सारा काम इंटेलेक्ट का होता है। उसके बाद हमने देखा था कि हमारे डिसीजन फास्ट हो, करेक्ट हो, डिटर्मिनेशन के साथ हो, इन सब के लिए आवश्यक है प्योरिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्ट। नहीं तो हम छोटी छोटी चीजों में लोगों का अप्रूवल चाहते हैं, छोटी छोटी चीजों में डरने लगते हैं, ये लें या ना लें, करें या ना करें। एक बेहतरीन जिंदगी के लिए, एक पावरफुल लाइफ के लिए इंटेलेक्ट का प्योरीफाई होना जरूरी है। तमो प्रधान, सतो प्रधान और रजो प्रधान, तीन तरह की बातें की थी। यदि माइंड में थॉट्स ज्यादातर इम्प्योर चलते रहेंगे तो वो तमो प्रधान बुद्धि कहलाती है। मन में जो थॉट्स ही जनरेट हो रहे हैं, इम्प्योर थॉट्स हो रहे हैं और वो इम्प्योर थॉट्स जंग की तरह है। एक लोहे में जैसे बिल्कुल जंग पड़ चुकी और धीरे 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 हर गुजरते दिन के साथ वो इरोड हो रहा है, जंग बढ़ती जा रही है और कमजोर कर रही है। तो उस जंग को हटाने का तरीका है कि हमें सतो प्रधान बनना है, पवित्र बनना है। उसकी युक्तियां और तरीके क्या क्या हैं वो आगे आने वाले क्लासेस में हम देखेंगे। आज हमें यहां से शुरू करना है इम्प्रेशन, दैट इज रिकॉर्डर ऑफ एक्शन। तीन मेटाफिजिकल चीजों के बारे में हमें बात करनी थी, तीन पावर्स के बारे में बात करनी थी। पहली पावर माइंड मतलब थॉट जनरेटर, दूसरी पावर इंटेलेक्ट मतलब डिसीजन मेकर, और तीसरी जो शक्ति है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ एक्शंस, इंप्रेशंस जिसको कहते हैं। इसको कई लोग संस्कार भी कह देते हैं, है ना। इसको डीप रूटेड मेमोरीज भी कह दिया जाता है, इनको आदतें भी कह देते हैं। आदत कहो, संस्कार कहो, डीप रूटेड मेमोरीज कहो, ये सब एक ही बातें हैं। ये भी मेटाफिजिकल है। डीप रूटेड मेमोरीज भी हो गई, हैबिटेड भी हो गई। कई लोग इसे कहते हैं मेरा लगाव ऐसा है, मेरा झुकाव है, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, मेरा तो नेचर ही ऐसा है। ये सब बातें इंप्रेशंस के लिए कहलाती हैं। इंप्रेशन मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ एक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ एक्शन मतलब जो काम हम बार बार करते जाते हैं वो हमारे संस्कार बनते जाते हैं। एक काम को 3 बार 10 12 15 बार करते गए, बाद में किसी ने पहली बार सिगरेट या शराब पी होगी तो उसको हो सकता है बहुत अजीब सा लगा हो, अंदर से एक रिजेक्शन आया हो, नहीं मुझे नहीं करना है या कुछ। लेकिन ऐसा 10 20 30 बार कर दिया तो वो फिर एक तरह से हैबिट का पार्ट बन जाता है।
हैबिट को ट्रांसफॉर्म, ऐसा नहीं नहीं होती, हैबिट्स भी ट्रांसफॉर्म होती हैं, इंप्रेशंस ट्रांसफॉर्म किए जा सकते हैं। फिर उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा पावर की जरूरत पड़ती है। आज हम सबको भी हमारे अंदर डीप रूटेड मेमोरीज ऐसी ऐसी भी चली गई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, उन सब को ट्रांसफॉर्म करने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं कैसे कैसे ये डीप रूटेड एक्शंस या डीप रूटेड मेमोरीज हमारे अंदर घुसे। पास्ट बर्थ, कई कई जन्म लेते 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 आज इस शरीर में, तो शरीर है, चलाने वाली ताकत जो है वो तो चला रही है इस शरीर को, तो वो ताकत निकल जाएगी, कल फिर दूसरे दूसरे शरीर को लेगी। यानी जब हम पिछले जन्म में थे तो वहां पे हमने कर्म किए, वहां एक्शन किए, वो एक्शन जो डीप रूटेड हो गए थे वो आज कैरी फॉरवर्ड करके इस जन्म में भी ले आए। कई देखना छोटे बच्चे 3 साल 5 साल 7 साल का इतने बड़े बड़े भजन सुना देंगे, इतने बड़े बड़े हजारों हजारों लोग उनकी सभाओं में जाकर के प्रवचन सुनने लग जाते हैं, 5 5 7 7 साल के बच्चे प्रवचन सुनाने लगते हैं। ये है क्या? ये सारी चीजें पास्ट बर्थ की मेमोरीज से कैरी फॉरवर्ड होकर के आती। फिर संस्कार पेरेंटल भी होते हैं, माता पिता से भी संस्कार आते हैं, उनकी पालना से संस्कार आते हैं। दूसरा तीसरा फिर कंपनी यानी सत्य संग, या ये कहें संगी साथियों के साथ जब हम रहते हैं। अब दुनिया में जैसा भी संग है, सत्य संग है या झूठ संग है, जैसा भी है, पर संगी साथियों, अच्छा होगा तो अच्छा और बुरा होगा तो बुरा, उसका साथ लगता ही लगता अपने कर्मों पर, अपने संस्कारों पर। फिर है प्रेजेंट, जो वर्तमान में हम कर्म कर रहे हैं उन सब का भी प्रभाव, वो भी धीरे धीरे रिकॉर्ड होते जाते हैं, और वो भी डीप रूटेड रिकॉर्डिंग होती जाएगी बार बार करने से। तो कर्मों का प्रभाव पड़ रहा है, और कुछ संस्कार होते हैं इटरनल, इटरनल कहें यूनिवर्सल कहें एक ही बात है, शाश्वत संस्कार। हर आत्मा को सुख पसंद है, शांति पसंद है, पवित्रता पसंद है, आनंद पसंद है, शक्तियां खुशी ये सबको पसंद है। ये हर आत्मा की इटरनल संस्कार है, पर इसमें कुछ कम ज्यादा होता रहता है, किसी की शांति कम होगी तो वो दुखी होएगा। इन इटरनल संस्कारों में से कुछ भी कम होने लगेगा, इंसान दुखी परेशान चिंतित होता है। तो ये 5 प्रकार के हमने इंप्रेशंस देखे, 5 तरीके से इंप्रेशंस आ रहे हैं, प्रकार नहीं कहेंगे, ये है किन किन तरीके से इंप्रेशंस पड़ रहे हैं, चाहे वो पिछले जन्म से आए, माता पिता से आए, संगी साथी दोस्तों से आए, वर्तमान के कर्मों से आए, या फिर कुछ शाश्वत संस्कार जो आत्मा के मूलभूत सिद्धांत हैं कर्म, इंप्रेशंस कहें। आइए हम सब चाहते हैं कि अपने इन इंप्रेशंस को या अपने इन संस्कारों का परिवर्तन करें। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ संस्कार का तरीका क्या है? पहले तो ये नॉलेज तो होगी हमें ट्रांसफॉर्म करना क्या है, व्हाट टू चेंज इन लाइफ, ये पता तो लगे कि ये चेंज करना है, एंड हाउ टू चेंज, तो इस बात की नॉलेज जरूरी है कि व्हाट टू चेंज एंड हाउ टू चेंज। जब ये दोनों बातें अच्छे से क्लियर हो गई कि व्हाट टू चेंज एंड हाउ टू चेंज, फिर तीसरी बात आती है उसके लिए पावर्स भी तो चाहिए। व्हाट टू चेंज हाउ टू चेंज पता है, लेकिन संस्कारों को परिवर्तन करने की ताकत ही नहीं है, वो दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, तो वो कहाँ से लाएं, वो भी लानी पड़ेगी। सो मेडिटेशन गिव्स अस दैट डिटर्मिनेशन, वो कॉन्सेंट्रेशन, वो एकाग्रता, वो दृढ़ता, वो मेडिटेशन से प्राप्त होती है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इस बात का नॉलेज, मुझे क्या बदलना है, कैसे बदलना है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन प्लस साथ साथ मेडिटेशन, ये तरीका है चीजों को ट्रांसफॉर्म करने का, अपने संस्कारों को ट्रांसफॉर्म करने का। आगे बढ़ते हैं, हम सभी सी जैसे हम मान लो कोई चीज के बारे में सोचने लग गए, पुरानी चीजें, कोई पुरानी घटना के बारे में सोच रहे हैं, एक बार दो बार सोचा, 5 बार सोचा, धीरे 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 हमारे संस्कारों के कारण, चाहे वो जेलसी का संस्कार हो, चाहे ओवर अटैचमेंट का संस्कार हो, जेलसी का चाहे अटैच संस्कार होगा तो बार बार हमें पुरानी पुरानी बातें, उस किस वही व्यक्ति की तस्वीरें सामने लाता रहेगा, हम उसके बारे में सोचते रहेंगे। एक्स्ट्रा ओवर अटैचमेंट का संस्कार होगा तो भी उस व्यक्ति को बार बार याद करते रहेंगे, भूल भूल ही नहीं पाएंगे, और हर नई याद के साथ एक याद की डोर, रस्सी की डोर, वो बंधती जाती है, बंधती जाती है, और रस्सी मोटी होती जाती है, और हर गुजरते दिन के साथ हमें लगता है कि हमारे लिए डिफिकल्ट हो गया है किसी व्यक्ति को भूल। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ संस्कार के लिए पहले तो क्या चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, ये पता, और साथ साथ मेडिटेशन की ताकत हो तो ट्रांसफॉर्मेशन संभव। आगे चलते हैं,
आज हम बात करने की जो बात कर रहे हैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। शायद जीवन में आपने इससे महत्वपूर्ण स्लाइड ना तो देखी हो ना कभी देखो, क्योंकि दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल्फ है, ये हमारे स्वयं का परिचय है। एक तो माता पिता ने 6 दिन बाद, किसी के 40 दिन बाद जन्म के एक नाम रख देते हैं, और तब से हम उस नाम से पुकारे जाते हैं कि मेरा नाम ये है। पर वो नाम तो हमें 40 दिन बाद मिला या 6 दिन 10 दिन बाद माता पिता ने दिया, कई कई जगह तो एक एक साल बाद बच्चों का नाम रखते हैं। अब माता पिता ने जो नाम दिया वो तो इतने दिनों बाद दिया, क्या उससे पहले मेरा कोई वजूद नहीं था? जन्म के ठीक बाद क्या मेरा वजूद नहीं था? 1 साल का बच्चा, 6 महीने का या 15 दिन का बच्चा था, तब भी मेरा वजूद था। देन हु एम आई, मैं हूं कौन? मैं था कौन जब मेरा नाम फलाना मुझे नहीं रखा था? तो वो कहते हैं कि हम एक चैतन्य शक्ति, ये कहावत है कि हम एक चैतन्य शक्ति हैं। जो शरीर को चलाने वाली शक्ति है, उसमें क्या क्या पावर्स हैं? उसमें सोचने की, थॉट्स को जनरेट करने की शक्ति है, माइंड है, उसी में इंटेलेक्ट है, वो निर्णय कर सकती है, और साथ साथ सारे संस्कार भी उसी में भरे जाते हैं जो कैरी फॉरवर्ड करके आगे ले जाती है। मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों शक्तियों की स्वामी जो है, दैट इज सोल है। कोई पूछे सोल या आत्मा होती क्या है? बाकी तो ये शरीर है। आप ठीक इसको और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि तो आत्मा के, अभी हम आत्मा के बारे में और थोड़ा समझते हैं, लेकिन इससे पहले आत्मा के अंदर ये तीन शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार को हमने समझा। अभी पिछली ही स्लाइड में हमने एक बात की थी कि आत्मा के कुछ इटरनल संस्कार होते हैं, यानी कि यूनिवर्सल या क्यों कहें शाश्वत संस्कार होते हैं आत्मा। कुछ बातें आत्मा में होती हैं जो जैसे जैसे बढ़ती जाती है वो उसको अच्छा लगता है, और कम होएंगी तो उसको बुरा भी लगता है। आत्मा को हर व्यक्ति के अंदर, थोड़ा कम कहें ज्यादा कहें, हर व्यक्ति में 7 मूल संस्कार होते हैं, यूनिवर्सल क्वालिटीज होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, नॉलेज, नई चीज को सीखना, नई चीज को सीखने की एक ललक, चाहत। तो नया चीज सीखने की तमन्नाएं, इच्छाएं हर आत्मा में होती है, कम होंगी ज्यादा होंगी पर हर आत्मा में होंगी। दूसरी चीज पवित्रता, नॉलेज है तो प्योरिटी है। अब देखिए पढ़ाई भी बचपन में 25-30 साल की उम्र तक लोग करते हैं, और जब तक कहते हैं नॉलेज ले रहे हैं तब तक पवित्र रहना चाहिए, तो प्योर रहते हैं ना, ऐसा मानते हैं। तो नॉलेज है तो प्योरिटी है। आत्मा का हमें पता है तब जीवन में पवित्रता की बात आती है, नेक्स्ट लेवल इज प्योरिटी। आत्मा इम्प्योर होगी तो विशियस थॉट चलते हैं, विशियस थॉट इंसान का दिमाग खराब करते हैं, फिर लगता है उसे नहीं, वो वापस अपने मूल अवस्था की तरफ लौटना चाहता है, पवित्र विचारों की तरफ लौटना चाहता है, और नहीं लौटेगा तो उसके दिमाग के इंजन में इतना इतना तेज और इतना गर्म हो जाएगा, सिर दर्द होने लग जाएगा। तो पवित्रता आत्मा का मूल गुण है, बार बार इस ओर लौटने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मिक शक्तियों की कमी की वजह से इस पर लौट नहीं पाती। तो पहला मूल गुण है आत्मा का ज्ञान, और दूसरा मूल गुण कहेंगे पवित्रता। यदि ज्ञान नहीं है तो पवित्रता हो नहीं सकती, और जहां पवित्रता नहीं होती वहां जीवन में शांति भी संभव नहीं है। इम्प्योर थॉट्स के साथ में हम सोचे शांति आ जाए, लाइफ में नहीं आ सकती। इंजन गर्म ही रहेगा, सिर दर्द ही रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा ही रहेगा, गुस्सा रहेगा ही रहेगा, दूसरे एक दूसरे को बोलते कहीं, आप कभी कभी बोलेंगे सर इस प्योरिटी का और उस गुस्से का क्या रिश्ता? अरे है, और बहुत गजब का रिश्ता है दोनों का। यदि प्योरिटी नहीं है तो इंजन ठंडा ही नहीं हुआ, इंजन ठंडा ही नहीं हुआ तो मुख से भी कुछ कुछ बोलता ही रहेगा, सोचता ही रहेगा उल्टी सीधी चीजें, बातें, क्योंकि आदत ही वो पड़ती जा रही है। तो गहरा रिश्ता है प्योरिटी एंड पीस का। जिन घरों में पवित्रता नहीं वहां शांति हो नहीं सकती, जिन मनों में पवित्रता नहीं वहां शांति हो नहीं सकती, इट्स सिंपली इम्पॉसिबल। आगे देखिए, जहां शांति है वहीं प्रेम होता है, प्रेम आत्मा का मूल गुण है। अब यहाँ पे प्रेम और अटैचमेंट में भी फर्क समझना जरूरी है। जो शरीरों के चाहत है, शरीरों की इच्छाएं हैं, वो सब अटैचमेंट है, वो सब वाइशस में गिनी जाती है, विकारों में गिनी जाती है। सच्चा प्रेम, ट्रू लव, आत्मा को आवश्यक है, आत्मा की मूलभूत रिक्वायरमेंट है। जैसे चीजें हवा, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, ये आत्मा की मूलभूत आवश्यकता है ना, ठीक ऐसे ही प्रेम भी हर इंसान की आवश्यकता है। अगेन, यहां गहराई से समझने की बात है, प्रेम अमूलभूत आवश्यकता है।
प्रेम मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन शरीरों के अटैचमेंट काम विकारी मूलभूत आवश्यकता में नहीं आता है। बहुत बहुत साफ करके हम क्लियर कर रहे हैं इसको। प्रेम और अटैचमेंट दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री अलग चीजें हैं। लव एंड सेक्स बहुत दोनों का कोई आपस में रिश्ता नहीं है, दोनों 180 डिग्री पे। प्यार और प्रेम मोहब्बत इंसान की मूलभूत आवश्यकता है, पर ये विकार मूलभूत आवश्यकता नहीं है, ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज जॉय, खुशी। हमने अभी तक समझा जीवन में ज्ञान है तो पवित्रता होगी ही होगी, पवित्रता है तो शांति होगी, और शांति है तो प्रेम भी होगा। जहां प्रेम है वहां खुशियों की बरसात है, खुशियां हैं ही। सोचो किसी घर में सुबह शाम दो टाइम झगड़ा हो, प्रेम ही ना, तो शांति नहीं है तो प्रेम हो नहीं सकता, और प्रेम नहीं होगा तो फिर खुशियां भी नहीं, और खुशियां नहीं होंगी तो आनंद भी नहीं। खुशियों का तो फिर भी अपोजिट हो जाता है कि आज खुशी है कल दुखी है, लेकिन खुशी जब अनंत काल के लिए चलने लग जाए या बहुत लंबे समय के लिए चल जाए तो हम कहते हैं उसे ब्लिस या आनंद। जहां खुशियां हैं वहां आनंद होगा ही होगा, और जिनका जीवन आनंदित है, मशीन ठंडी है, खुश है, तो वहां पावर यानी शक्तियां बरसात है ही है, शक्तियों की बरसात है, पावरफुल लाइफ होगी ही। तो हर व्यक्ति पावर्स चाहता है, पर रास्ता नॉलेज से होके गुजरता है। हर व्यक्ति को चाहिए कि उसका जीवन पावरफुल हो, पावरफुल बने, चाहे वो ज्ञान की शक्तियों की चाहता हो या किसी और प्रकार की शक्ति चाहता हो, चाहे पोस्ट पोजीशन की पावर चाहते हो, हर प्रकार की कोई सी भी पावर यदि हम चाहते हैं, रास्ता नॉलेज से होकर गुजरता है। बहुत अच्छा रिश्ता है इसका। नॉलेज नहीं है, यही नहीं पता कि आई एम ए सोल, मैं बॉडी नहीं हूं, मैं तो इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। नॉलेज नहीं पता तो पवित्रता हो नहीं सकती, पवित्रता नहीं है तो शांति नहीं होगी, शांति नहीं है तो प्रेम नहीं, प्रेम नहीं तो खुशी नहीं, खुशी नहीं तो आनंद नहीं, और आनंद तो शक्ति नहीं। बीच में 2 मिनट एक बार मेडिटेशन करेंगे। ये आत्मा के 7 मूल गुण हैं। बहुत ध्यान से जहां भी बैठे हैं अपनी जगह पर एकदम सीधा होकर के बैठ जाएंगे 2 मिनट के लिए, और एक छोटा सा गीत चल रहा है, इस गीत को बहुत ध्यान से सुनेंगे, और ध्यान से आंखें खुली रखें तो ज्यादा अच्छा है, आप बंद करना चाहें आपकी इच्छा है, खुली रखेंगे क्योंकि इसमें एक छोटा सा वीडियो भी है, इसलिए आपको खुली रखनी पड़ेगी। तो हम एक छोटा सा गीत सुन रहे हैं सब, एक मेडिटेटिव सॉन्ग है, बहुत सुंदर सॉन्ग है। जब ये गीत सुन रहे हैं तो ऐसा सोचना कि मैं एक चैतन्य सितारा यहाँ पर चमक रहा हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ। और आगे देखिए क्या करते हैं, हम सुनते हैं इस गीत को 1 मिनट। वॉइस आ रही है आप लोगों को? नहीं एक बार सर, बस। फेयर साउंड नहीं हुआ शायद। अच्छा, 1 मिनट।
शांति अभी आ रही आ रही आ रही शांति स्वरूप हूँ आई एम पीसफुल सोल ओ शांति ओ शांति ओ शांति
एक और इम्पॉर्टेंट छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। सभी लोगों के हाथ में पेन और पेपर होगा, और पेन और पेपर लेकर के रेडी रहें। यहाँ पर ऊपर 14 प्रॉब्लम्स दी हुई है ना, प्रॉब्लम्स या समस्याएं जो जीवन की सबके साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में है। जैसे पहला है वरी माने चिंता, फियर माने डर, ईगो मतलब अहंकार, लस्ट माने काम विकार, ग्रीड मतलब लालच, एंगर माने गुस्सा, इम्पेशंस मतलब अधीरता। इम्पेशंस मतलब अधीरता, पेशेंस मतलब होता है धैर्यता, और इम्पेशंस उसका उल्टा होता है अधीरता। हेट माने नफरत, और डिजायर माने इच्छाएं, इनसिक्योरिटी मतलब असुरक्षा का भाव, सैडनेस मतलब उदासी, अटैचमेंट मतलब लगाव झुकाव, जेलसी माने ईर्ष्या, और कंफ्यूजन मतलब मूंझना, कंफ्यूज होना, कंफ्यूजन मतलब मूंझना। ये 14 प्रॉब्लम्स हैं, और नीचे 7 चीजें दे रखी हैं एक टेबल में। पीस, प्योरिटी, पावर, लव, नॉलेज, हैप्पीनेस एंड ब्लिस, ये आत्मा के 7 मूल गुण है। अभी अपने ऊपर देखा था ना कि हमारे अंदर ये 7 क्वालिटीज होती हैं, संस्कार हैं। कौन से संस्कार हैं? इटरनल संस्कार हैं। अब हमें करना क्या है, बहुत ध्यान से देखेंगे तो पीस, पहला वाला वर्ड है जैसे पीस, पीस जीवन में होगी तो ऊपर की 14 में से कोई 2 प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी डायरेक्टली। वैसे तो हो सकता है पीस आने से जिंदगी की ऊपर की 14 समस्याएं एक साथ ही खत्म हो जाए, पर पीस का डायरेक्ट रिलेशन 2 चीजों से है ऊपर की। ऐसे ही प्योरिटी का रिलेशन 2 से है, पावर का 2 से है, लव का 2 से है, नॉलेज, हैप्पीनेस और ब्लिस, सबका रिश्ता 2-2 से डायरेक्टली है। अब हमें सर्च करना है कि जिंदगी में पीस आएगी तो ऊपर की कौन सी 2 चीजें हमारे जीवन में आ जाएगी। तो एक बार ये टेबल पूरी करें सब लोग, पीस के नीचे कौन सी 2 आने से जिंदगी की कौन सी 2 समस्याएं, ऊपर के 14 समस्याओं में से कौन सी 2 समस्याएं खत्म हो जाए। ठीक है, निकालें इसको, एक एक करके निकालें कि पीस से कौन सी 2, प्योरिटी से कौन सी 2। 3-4 मिनट हैं आपके पास, इस 3-4 मिनट में कोशिश करें कि इस टेबल को फिल कर, फिर हम आपसे शेयरिंग लेंगे, पूछेंगे आपसे कि आपने किसने लिखा है इसका आंसर। आप चाहें तो सबके साथ फिर बाद में शेयर भी कीजिए। लिखते जाएंगे है ना, टेबल में लिख लें। जीवन में शांति आएगी तो क्या क्या चला जाएगा? जीवन में पवित्रता आएगी तो कौन सी 2 समस्याओं का समाधान मिलेगा? जीवन में शक्ति आएगी, पावर, तीसरा है पावर। जीवन में शक्ति आ गई तो कौन सी 2 समस्याओं का समाधान मिलेगा? चौथा, जीवन में प्यार होगा, लव होगा, तो कौन सी 2 समस्याएं नहीं होंगी? चौथा, पांचवा है ज्ञान। ज्ञान के आने से, नॉलेज होने से कौन सी 2 समस्याओं का समाधान होगा?
छठा हैप्पीनेस, जीवन में यदि खुशियां होंगी तो क्या नहीं होगा, कौन सी दो चीजें समाप्त हो जाएंगी? सातवां, ब्लिस यानी आनंद, जीवन में आनंद होगा तो कौन सी दो चीजें समाप्त हो जाएंगी? और जिन्होंने भी लिख लिया हो फिर एक बार रेज हैंड करेंगे। जिन्होंने भी इसके आंसर लिख लिए हो वो हैंड रेज करें ताकि पता लग जाएगा। सूर्य सिंह ठाकुर जी ने लिखी है, ग्रेट। अतुल त्रिपाठी जी ने भी लिख लिया है, वंडरफुल। प्रवीण गुप्ता जी, सपना गुप्ता जी, वेरी गुड। प्रवीण जी, सपना जी, अनुपम पवार जी, अनिकेत जी, वेरी गुड। अनुपम जी ने भी लिख लिया है, अनिकेत जी ने भी लिख लिया है। और किस किसने लिख लिया है? अनुज, रोहित, खुशी जी, आप तीनों ने भी लिख लिया। अनुज कुमार, रोहित यादव जी एंड खुशी सिंह जी, वेरी गुड। और हैंड रेज करेंगे जिन्होंने लिखा है। उसके बाद अमित महर्षि जी ने भी लिख लिया है, वेरी गुड अमित जी। और यस, गजेंद्र कुमार जी ने भी लिख लिया है, वेरी गुड गजेंद्र जी। और गुंजन कुशवाहा जी ने भी लिख लिया है, वेरी गुड गुंजन जी। और करीबन 12 लोगों ने लिख लिया है, गुड। वेरी गुड। नीता विजय कुमार जी ने लिख लिया है, कांता जी ने भी लिख लिया है, गुड। नीता जी, कांता जी, और पांच लोग और लिखते फिर हम आगे बढ़ते हैं। और जिनका भी रहा हुआ है हैंड रेज करेंगे। ऐसे कोई जिनका नाम हमने नहीं बोला हो, लिख लिया हो जिन्होंने, या जिन्होंने, प्रेम जी ने भी लिख लिया है, वेरी गुड। या हैंड रेज किए हो, हैंड रेज किए हुए हमने देखे नहीं है। चलिए, हो गया करीब करीब सबका। और भी हैंड रेज कीजिए जिनका हो गया है। ठीक, गुड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले बताएं शांति, अब आंसर करेंगे। लाइफ में पीस जूलियट नेल्सन जी ने भी लिखी है, वेरी गुड डॉक्टर जूलियट नेल्सन जी। अब आते हैं पहले, सबसे पहले पीस पे, बताइए, आंसर कीजिए। अनम्यूट करने की फैसिलिटी दीजिए ना, ताकि लोग बोल के बता सकें। पीस जीवन में आएगी तो कौन सी दो समस्याओं का समाधान हो जाएगा? जीवन में जब शांति आती है तो कौन सी दो समस्याओं का समाधान आएगा? आंसर आ रहे हैं डिजायर, लस्ट, एंगर, वरी। ये प्रवीण गुप्ता जी, वंडरफुल प्रवीण गुप्ता जी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जीवन में शांति होगी तो गुस्सा भी चला जाएगा और इम्पेशियंस माने अधीरता भी चली जाएगी। सो प्रवीण गुप्ता जी, वंडरफुल, योर आंसर इज 100% करेक्ट, वेरी गुड प्रवीण गुप्ता जी। आते हैं दूसरे पे।
पवित्रता। जीवन में प्योरिटी है तो कौन सी दो चीज खत्म हो जाएंगी? अनम्यूट करने की फैसिलिटी भी दे सकते हैं, अनम्यूट, ताकि लोग अनम्यूट करके भी बोल सकें, या लिख के बोलना चाहते हैं तो भले लिख के, और बोलना चाहते हैं तो वैसे। हाँ, प्योरिटी है तो कौन सी दो चीज? आंसर दीजिए। प्योरिटी है तो पार्शियल करेक्ट आंसर आ चुके हैं, तीन लोगों ने आंसर दिए हैं, तीनों के पार्शियली करेक्ट हैं, चार के आंसर आ चुके हैं, चारों के, पांचों के पार्शियली करेक्ट आंसर हैं। पांच लोगों के आंसर आए हैं, पांचों के पार्शियली करेक्ट हैं, अतुल जी, अंजुना जी, और लस्ट एंड अटैचमेंट गुंजन कुशवाहा जी ने शायद आंसर किया है। 1 मिनट, लस्ट एंड अटैचमेंट किसने आंसर किया है? लस्ट एंड अटैचमेंट, गुंजन कुशवाहा जी, वंडरफुल, योर आंसर इज परफेक्टली राइट। लस्ट एंड अटैचमेंट, जब पवित्रता होती है तो ना काम बेकार होता है ना अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट कब होता है? जब इम्प्योरिटी होती है तो अटैचमेंट भी आता है, लस्ट भी आता है। वंडरफुल, वेरी गुड आंसर गुंजन कुशवाहा जी। तो प्रवीण गुप्ता जी और गुंजन कुशवाहा जी, दो लोगों ने राइट आंसर दिए हैं अभी तक के। आगे चलते हैं, तीसरी चीज पावर। जीवन में शक्ति आती है तो कौन सी दो चीज समाप्त हो जाएंगी? आंसर कीजिए। फियर एंड इनसिक्योरिटी, सपना गुप्ता जी ने राइट आंसर किया है, फियर, गुंजन जी ने भी राइट आंसर किया है, सपना जी ने भी, भाव जी ने भी, प्रवीण गुप्ता जी ने भी। फियर की जगह भले उन्होंने डियर लिख दिया है, पर आंसर उनका राइट है, वो फियर ही लिखना चाह रहे होंगे। फियर एंड इनसिक्योरिटी, यस, फियर एंड इनसिक्योरिटी। पावर होती है तो डर भी खत्म हो जाता है और असुरक्षा भी खत्म हो जाती है। जिसके पास शक्ति होती है उसे डर नहीं लगता, फियर भी नहीं है, इनसिक्योरिटी भी नहीं, पावर से। आगे आते हैं लव। जहां प्रेम है वहां क्या दो चीजें नहीं होंगी? नेक्स्ट, गुंजन जी, हेट ने लिखा है, हेट नहीं होगा, ईगो नहीं होगा, हेट, सपना गुप्ता जी परफेक्टली राइट है, हेट भी नहीं होगा और जेलसी भी नहीं होगी। जहां प्यार होता है वह नफरतें नहीं होती, वहां ईर्ष्या भी नहीं होती। कोई व्यक्ति आपका बहुत, जिसे चाहते हो दिल से, आपका अपना बेटा ये कार लेके आएगा, खुशी होगी, है ना? तो वहां हेट भी नहीं होता और जेलसी भी नहीं होती, जहां प्रेम है। आगे नेक्स्ट चलते हैं, हेट और जेलसी, प्रेम जी और अतुल त्रिपाठी जी ने भी राइट आंसर दिए हैं। नॉलेज, जीवन में नॉलेज है तो कौन सी दो चीज नहीं होंगी? कंफ्यूजन एंड वरी। और आगे चलें, और आंसर दीजिए। नॉलेज है तो कंफ्यूजन एंड एंगर, कंफ्यूजन एंड ग्रीड, ईगो एंड कंफ्यूजन। नीता जी का आया है आंसर ईगो एंड कंफ्यूजन, परफेक्टली राइट है, ईगो एंड कंफ्यूजन। अतुल त्रिपाठी जी का भी राइट है, ईगो कंफ्यूजन। गुंजन कुशवाहा जी का भी राइट है, ईगो कंफ्यूजन, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विनय की बात है तो ईगो आ नहीं सकता, विद्या से विनय आती है, ईगो नहीं आता। और जहां विद्या हो यानी कि नॉलेज होती है तो फिर कंफ्यूजन भी नहीं होता। वंडरफुल, आगे आते हैं, नेक्स्ट इज हैप्पीनेस। जहां जीवन में खुशियां हैं तो कौन सी दो चीज गायब हो जाएंगी? आंसर आगे जाके आसान होते जा रहे हैं, क्योंकि आसान क्यों हो रहे हैं पता है ना, क्योंकि बाकी आपके ऑप्शन निकलते जा रहे हैं। हैप्पीनेस है तो जहां खुशियां हैं तो, पार्शली करेक्ट आंसर आया है, जहां खुशियां हैं तो। अच्छा, सपना गुप्ता जी ने लिखा है, एक बार शायद सही आंसर आ गया है। सपना गुप्ता जी ने क्या लिखा है दोबारा एक बार देख लें, ऊपर चला गया आंसर। सपना जी आपका क्या लिखा था? सपना जी ने लिखा था वरी एंड सैडनेस। जहां खुशियां हैं वहां चिंता नहीं हो सकती और उदासी नहीं हो सकती, राइट है सपना गुप्ता जी, बिल्कुल ठीक है आंसर। जहां खुशियां हैं वहां न चिंता है ना उदासी है, वरी भी नहीं है और सैडनेस भी नहीं है। वंडरफुल, वरी एंड सैडनेस, खुशी सिंह जी का भी राइट आंसर आया, वरी एंड सैडनेस। आखिरी पे आते हैं, ब्लिस माने आनंद। जीवन में आनंद कब आता है, कौन सी चीज खत्म होने पर? हाँ, वेरी गुड सपना जी, बिल्कुल राइट है, डिजायर और ग्रीड। जहां इच्छाएं और लालच खत्म होती है तो जीवन में आनंद की शुरुआत हो जाती है। हाँ, अतुल त्रिपाठी जी का भी राइट आंसर है, ग्रीड एंड डिजायर। और साथ साथ, हाँ, मार्कंडे जी का भी ठीक है, दीपक, इंजीनियर दीपक कुशवाहा जी, मार्कंडे जी, अनुज कुमार जी, गुंजन कुशवाहा जी,
सपना गुप्ता जी, आप सबके राइट आंसर है, ग्रीड एंड डिजायर, नीता विजय कुमार जी, वंडरफुल। सो थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। ये सारी एक्टिविटी स्पेसिफिकली ये बताने के लिए थी कि ये सात चीजों के अंदर दुनिया की हर समस्या का समाधान। जब हम पहले पहले इस एक्टिविटी को कराते थे, थोड़ी लंबी हो जाती थी, लेकिन उसमें 28 प्रॉब्लम थी और ये सात समाधान थे। एक एक समाधान से, एक एक चीज से, आत्मा के एक एक गुण से चार चार प्रॉब्लम खत्म करते थे उसमें। पर वो थोड़ा सा लंबा हो जाता था, समय ज्यादा लेता था। पर कहने का अर्थ ये है कि इन सात चीजों में ताकत है दुनिया की हर समस्या, हर मतलब हर समस्या का समाधान करने की। प्रॉब्लम्स इन्हीं चीजों के कारण है और समाधान भी यहां पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंसर इज हियर। पीस माने इंपेशेंस और एंगर खत्म होगा। प्योरिटी से लस्ट और अटैचमेंट। पावर से फियर और इनसिक्योरिटी। लव से हेट एंड जेलस। नॉलेज से कंफ्यूजन एंड ईगो। हैप्पीनेस से वरी एंड सैडनेस। और ब्लिस से डिजायर एंड ग्रीड। आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि हम किस बात बारे में मूल रूप से बात करना चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। दुनिया की शायद सबसे बड़ी चीज हमने किसी स्कूल सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में सिखाई नहीं। सब कुछ सिखा दिया, ए फॉर एप्पल बता दिया कि ये एप्पल है, ये एप्पल है, ये बी फॉर बेबी है, ये सी फॉर कैट है, ये सब बता दिया, लेकिन मैं खुद कौन हूं ये कभी नहीं बताया। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी पूछें कि आपसे आप कौन हो, कई बार हमने इस पे सेशन किए हैं, कईयों से पूछा कि आप कौन है तो बताया कि मैं इंडियन हूं, लेकिन इंडिया तो आप इंडिया में पैदा हो गए इसलिए हो गए। भारत देश का नाम भारत है, आप पाकिस्तान में पैदा होते या अमेरिका में पैदा होते या चाइना में पैदा होते, किसी और देश में पैदा होते तो उस देश के हो जाते, तो नेशनैलिटी है ये। तो फिर किसी ने कहा कि मेरा नाम फलाना है, वो तो घर वालों ने 40वें दिन दिया, उसके पहले क्या था। फिर किसी ने कहा मैं डॉक्टर हूं, मैं पीएचडी हूं, मैं इंजीनियर हूं, डॉक्टर पीएचडी इंजीनियरिंग, ये तो सब आपने उम्र के 25वें पड़ाव, 25-30 साल के पड़ाव के आसपास जाने के बाद किए। किसी कंपनी में डायरेक्टर बने हो सकता है 35-40 साल की उम्र में बने, पर उससे पहले क्या थे। फिर किसी ने कहा कि मैं फलाना हिंदू धर्म में हूं, धर्म भी आप एक ऐसे परिवार में पैदा हो गए इसलिए आपका धर्म वो हो गया। ये सब एक्वायर्ड सेल्फ है। दो तरह के सेल्फ होते हैं, एक इनेट सेल्फ और एक एक्वायर्ड सेल्फ। फिर किसी ने कहा कि मैं फलाने का बेटा हूं, मेरे पिताजी का नाम ये है, ये भी आपका अपना परिचय नहीं हुआ, ये संबंध है। भाई आपका अपना परिचय क्या है? यदि ये छह चीज हमारा परिचय नहीं है, तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो हमारा परिचय है, ये समझना बेहद जरूरी। फिर किसी ने कहा ये दिख रहा हूं ना मैं सामने, 6 फुट का शरीर दिख नहीं रहा आपको, यही मैं हूं, पर ये तो मिट्टी है ना, इन पांच तत्वों से बना हुआ है ना, अग्नि मिट्टी वायु आकाश, ये पांच तत्वों का शरीर तो लास्ट में ले जाके आप जला देंगे। फिर तो लोग कहेंगे लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, स्वर्ग से धारा पधारा, कौन गया, कह देते हैं फलाना स्वर्ग पधारा माने गया, लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, लेफ्ट बट हु लेफ्ट, आगे देखते हैं, बट हु लेफ्ट। एक बहुत ही खूबसूरत चीज है, साइंस वाले ये कहते हैं, अब साइंस के बेस पे हम बात करते हैं थोड़ा सा सोल के बारे में। साइंस वाले कहते हैं कि दुनिया की हर चीज एटम से बनी है, हर चीज, मॉलिक्यूल भी बना है तो एटम से बना है, हर चीज, संसार की हर चीज, ये सामने आपके सामने किताब, पेन, कुर्सी, कागज, जो भी दिख रहा है आपको, हर चीज एटम से बनी है। सूक्ष्म रूप में जाओगे तो वो केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा होगा कितने तरह के, 100, 105 तरह के एटम होंगे, 100 तरह के आसपास के अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल पड़े हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो मॉलिक्यूल भी बने एटम से है, हर चीज एटम से बनी है ना। और साइंस साथ में एक बात और कहता है, एटम हैज नो कॉन्शियसनेस, कि एटम में जागरूकता या चेतनता नहीं होती है, एटम सोच नहीं सकता है, एटम विचार नहीं कर सकता है, एटम में थॉट नहीं होती है, एटम ग्रो नहीं करता है। तो हर चीज एटम से बनी है, हर चीज,
साइंस कहता है। और एटम में कॉन्शियसनेस नहीं होती, ये साइंस कहता है। दो बातें, मेडिकल साइंस कहता है हर चीज टिश्यूज एंड सेल से बनी हुई, जितनी भी चीज बॉडी में देख रहे हो सामने दिख रही हो टिश्यूज एंड सेल से बनी होती। पर फिजिक्स वाले फिर बताते हैं कि टिश्यूज एंड सेल्स भी किससे बने हुए, वो भी सारे एटम से ही बने हुए। फिजिक्स, जितने भी टिश्यूज हैं जितने भी सेल्स हैं वो सब एटम से बने हैं। और एटम में कॉन्शियसनेस नहीं होती, इसका मतलब सेल्स एंड टिश्यूज में कॉन्शियसनेस नहीं होती। सेल्स एंड टिश्यूज पे कॉन्शियसनेस नहीं होती तो पूरी बॉडी में भी कॉन्शियसनेस नहीं होती, भी पांच तत्वों से बना, एटम से बना। यदि ये पांच तत्वों से बनी हुई चीज है और इसमें कॉन्शियसनेस नहीं होती, तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो मेटाफिजिकल है? ये सब फिजिकल बातें की हमने, तो फिर वो मेटाफिजिकल जिस ताकत की हम बात करने जा रहे हैं है कौन सी? वो ताकत, तो वो ताकत है हम एक सोल है। पर सोल होती कैसी है? सोल इज जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ सितारा है, रहता कहाँ है? साइंस वालों से तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन दुनिया वाले बताते हैं कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में जाके बैठती है आत्मा। यानी यहां से जैसे भ्रकुटी की दोनों आंखों के दोनों भ्रकुटी है, इन दोनों भ्रकुटी के बीच में वाला पॉइंट जहां तिलक लगाते हैं, यहां से 3 इंच 3.5 इंच अंदर जाओगे और ऊपर से करोगे तो बिल्कुल सेंटर पॉइंट जो मिलेगा ना, यहाँ ऊपर से जाओ और यहां से अंदर जाओ तो अंदर जो पॉइंट मिलेगा वो है आत्मा के रहने का स्थान। और इसी को कई लोग अकाल तख्त भी बोलते हैं। तख्त मतलब ये सिटिंग कुर्सी मान लीजिए, तख्त माने कुर्सी है, ये उस अकाल आत्मा का तख्त है। अकाल मतलब शरीर को तो काल खा जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, पर आत्मा को अकाल कहा गया है जिसकी की मृत्यु नहीं होती। उस अकाल की सिटिंग पोजीशन, तख्त, तख्त माने सिटिंग कुर्सी, उस अकाल को बैठने का जो तख्त है वो है ये अकाल तख्त प्रकृति के मध्य चमकता हुआ। और इसी के सम्मान के लिए हम सब लोग तिलक यहाँ लगाते हैं, है ना? कई लोग झुक के सम्मान करते हैं, तो आत्मा एक दूसरे का रेस्पेक्ट करती तो झुक के रेस्पेक्ट करती। तो अंदर जाएंगे तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड है। चलिए एक छोटी सी, एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो और देखते हैं, पर आत्मा की इस बात को भी आगे बढ़ाएंगे साइंटिफिकली दृष्टि से। कल और बढ़ाना पड़ेगा हमें इस बात को आगे, पर अभी आपको बता दें कल हम क्लास नहीं रखेंगे, है ना? क्योंकि आज जन्माष्टमी है, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि रात को 12-1 बजे या लेट सोना होता है, तो सुबह शायद हम नहीं क्लास अटेंड कर पाएंगे, इसलिए कल क्लास नहीं रहेगी, परसों रहेगी क्लास, परसों से। पर आइए दोबारा हम अपनी बात पे आते हैं कि यदि हम सोल हैं तो एक छोटा सा वीडियो देखिए, और उसके बाद बताना कि वॉइस आ रही है क्या। आई होप वॉइस आ रही है, यस सर, आ रही है। ठीक है। हाँ,
एक बार थोड़ी सी शेयरिंग आप लोगों से चाहिए। यहाँ हम एक बार स्टॉप शेयर करें ताकि आपसे शेयरिंग कर सकें। बताइए, क्या इस वीडियो को देख करके क्या समझ में आता है? बहुत कमाल का वीडियो है, क्या समझ में आया इस वीडियो? किसी को भी कुछ समझ में आया तो बताइए। सर ये वीडियो सर की बता रहा है कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और उन्हीं कणों को हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कहते वेरी हैं। गुड। छोटे छोटे ये कणों पदार्थ से विज्ञान मिलकर के सर बना है। इसी को पढ़ा है वंडरफुल बच्चों को, मार्केंडेय जी, वेरी गुड। इसी को और पढ़ा है सर बच्चों लोगों को। वेरी गुड। और भी कोई शेयर कीजिए। बहुत सही कहा मार्केंडेय जी ने, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर। यस, अनिकेत जी ने लिखा है एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है इस बॉडी का। वेरी गुड वेरी गुड। और आगे बढ़ाएं इस बात को। प्रेम जी ने लिखा है एग्जिस्टेंस बिफोर माइक्रो एटम्स, एटम्स के भी अंदर चले गए। वेरी गुड। आपने देखा होगा कि एक एटम के अंदर भी चले गए, उसके न्यूक्लियस पे चले गए, न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन प्रोटॉन के भी उसके भी अंदर चले गए। जब आपने अंदर देखा होगा तो आखिरी चीज देखी क्वार्क कण। समीर कुमार झा जी लिखते हैं यू कैन सी फर्दर एंड फर्दर विद मैग्निफाइड इक्विपमेंट एज एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ स्मॉलर एंड स्मॉलर एलिमेंट्स। वंडरफुल। तो आज साइंस जहां तक पहुंचा है, यदि उसकी बात करें तो वो आखिरी छोटे से छोटा कण जो साइंस देख पाया है, दैट इज क्वार्क। और उसकी जो डायमेंशन मेजर की जाती है 10^-15 मीटर। साइंस वाले होंगे इस बात को समझ पाएंगे, 10^-15 मीटर कितना छोटा होता है, कितना छोटा का अंदाजा आप लगा लीजिए। कितना छोटा मैं आपको देखता हूं, बाल की एक नोक पर 10,000 करोड़ क्वार्क कण रखे जा सकते हैं। बाल की नोक पर, दोबारा से, बाल की एक नोक पर 10,000 करोड़ क्वार्क कण रखे जा सकते हैं, क्वार्क पार्टिकल रखे जा सकते हैं। और इसको सिंपल भाषा में समझें तो बाल की एक नोक पर संसार की सारी जनसंख्या को 10 बार रखा जा सकता है। दुनिया की जनसंख्या तो 800 करोड़ के आसपास ही, हमने चलो इसको और हायर साइड मान लिया कि दुनिया की जनसंख्या 1,000 करोड़ होगी, वैसे 800 या 1,000 मान लेते। तो 1,000 करोड़ भी यदि मानो तो सारे विश्व की जनसंख्या को, संसार की सारी आत्माओं को बाल की एक नोक पे रखा, क्वार्क कणों को बाल की एक, आत्मा तो उससे भी छोटी है। कैन यू बिलीव, मतलब कभी ये सोच के आश्चर्य से दिल भर जाएगा कि दुनिया कितनी 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 सूक्ष्म तक हो सकती है। एक बाल की नोक पर सारे विश्व की आत्माओं को 10 बार रखने के बाद भी जगह बचेगी। क्वार्क कण की बात कर रहे हैं जो साइंस ने ढूंढा है, और आत्मा यदि क्वार्क कण जितनी भी छोटी होती तो शायद साइंस अब तक ढूंढ चुका होता। क्वार्क कण आत्मा के तो कहने ही क्या, दैट इज द मोस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, मोस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल। और मेटाफिजिकल कहे है ना, कमाल की बात। अब इसी बात को, अच्छा 7 बज गए हैं, इस सोल वाली बात को हम थोड़ा सा कल आगे और बढ़ाएंगे। कल मतलब परसों, कल नहीं है क्लास, परसों और आगे बढ़ाएंगे। पर मेरी आप सबसे गहरी रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को मिस मत करना। हम सोल पे थोड़ा सा, हो सकता है भले आपको लगे कि ज्यादा वक्त दे रहे हैं, पर अपने इंट्रोडक्शन पे थोड़ा सा ज्यादा वक्त चलता है, लेना ही चाहिए, है ना? मिस मत करना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। साइंटिफिक वे में हम सोल के बारे में बात करेंगे। चलिए अभी एक सुंदर सा गीत सुनते हैं सब लोग। एक हमारी टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट है, डेली एक सुंदर सा गीत चलाया करें लीव करने से पहले। चलिए एक सुंदर सा गीत सुन, थैंक यू ऑल। कल हम नहीं मिलेंगे, कल शिवरात्रि जन्माष्टमी के वजह से लोग का लेट उठना रहेगा, तो परसों हम फिर मिलते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू, ओके। थैंक यू।